हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और इस वक्त मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ, मैं ब्लॉग बनाने नहीं वाला हूँ, मैं जस्ट सिंपल सा एक बस न्यू टाइम पास के लिए मैं यूट्यूब बना रहा हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ब्लॉगिंग करना चालू कर दूँ, बाकी लोगों की तरह कुछ पैसे कमाऊँ, कुछ आगे तक जाऊँ। सो नो प्रॉब्लम, दिस इज़ माई रूम, नॉर्मल रूम, बिकॉज मैं अभी अपने विलेज में हूँ, अपने गाँव में हूँ। उसके बाद प्लान देखते हैं क्या प्लान है आगे। सो मेरा खाना हो गया है, बस मैं अभी सोने जा रहा हूँ, सोऊंगा थोड़ी देर, काफ़ी थक गया हूँ क्योंकि चलो बहुत घंटे काम थे और काफ़ी थकने के बाद अब मैं जो है सो जाते हैं, काफ़ी थक चुके हैं। बाय। हेलो एवरीवन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने गांव में और ये मेरे दोस्त गजेंद्र भार्गव जी, और हम हमारे गांव के इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे हैं जिसे मैं एडिट करके आपको दिखाऊंगा। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब हम यहां पर आते हैं गांव में, अपनी गांव की वादियों को एंजॉय करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है, आजकल इसे तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे गांव को ऐसे ही सुखी रखें, संपन्न रखें और लोग गांव को एंजॉय करें। तो बस कुछ ही दिनों में मैं आपको हमारे गांव की सैर कराता हूं, गांव में क्या क्या देखने लायक है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आप देखिए और एंजॉय कीजिए हमारे गांव के नज़ारे को। हमारे गाँव में जिम भी है, इस वक्त हम जिम के ऊपर ही खड़े हैं, तो थोड़ी ही देर में हम जिम के नीचे जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या मशीन है हमारी जिम में। तो हमारे गाँव में इस वक्त 3 जिम है और ये एक रॉ जिम है जहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। खुली जिम है, खुली हवा में कसरत कीजिए जिसका एक अलग ही आनंद और मज़ा है दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं हमारी जिम के अंदर, थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पर, लेकिन इस अंधेरे के साथ ही आपको मिलेगा नज़ारा हमारी जिम का, जो कि बहुत ही शानदार नज़ारा है, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर गाने चल रहे हैं। अरे ठीक है भाई, अरे डीके भाई ये हमारे दोस्त डीके हैं, ये उनके जिम मेंबर, ये जोनतला के पटेल, ये हमारी ट्रिपल जिम, ये हमारे भाई लोग, हमारे दोस्त लोग, गुरु जी के भक्त। एंजॉय चल रहा है जिम में, एंजॉय। और नरसू वहाँ पे कुछ छील रहा है, अच्छा उसका अंडे का प्रोग्राम चल रहा है नरसू का। अरे डॉक्टर साहब, इनके भी शादी हुई है, ये हमारे जिम के पार्टनर हैं, खाने वाले। दूरदर्शन के कार्यकर्ता थोड़ा तो पहले अपन ने ब्लॉगिंग चालू कर दी। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे, इवनिंग हमने काफी एंजॉय किया, काफी मज़े से शाम निकाली और मैं अपने घर पर पहुंच चुका हूं। फर्स्ट हाथ पैर धोकर अपना थोड़ा सा जो इवनिंग की एक्टिविटीज़ हैं मेरी वो पूरी करूंगा। इवनिंग की एक्टिविटीज़ होने के बाद मैं खाना खाऊंगा, देन मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके फ्रेंड्स, सो रात बहुत हो चुकी है और सोने का वक्त हो गया, सो इट्स स्लीपिंग टाइम। खाना पीना सब कुछ हो गया और अब हम सो जाएंगे। सो एंजॉय, काफ़ी एंजॉय किया, मिलते हैं कल दोबारा हमारे डे 2 पर। कल क्या क्या करने वाले हैं वो सब आपको दिखाते हैं हमारे इस अगले ब्लॉग में। कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी स्लीपी। सो Bye, good night.